अब आपको पता है वर्ल्ड T20 चल रहा हो, मतलब वर्ल्ड कप, ठीक है, वाइड बॉल क्रिकेट का 20-20 ओवर्स वाला, तो प्रेशर तो होता है, इंटेंसिटी होती है, बंदा बड़ा अजीबोगरीब सा फील कर रहा होता है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद जो गेम मैं कहता हूँ तस्कीन अहमद ने डाली है ना शहजादा, मैं मेरे दिल में उसका रिस्पेक्ट लेवल जो है ना तस्कीन का, वो यहाँ से ना यहाँ चला गया कहीं ऊपर। भाई साहब मतलब हाउ कम दिस बी पॉसिबल कि आपका इतना इम्पोर्टेंट मैच हो और आप सोते रह गए। ये आपको स्टोरी तो पता लग गई होगी, ये बड़ी फनी स्टोरी है। बेसिकली बांग्लादेश का मैच था अगेंस्ट इंडिया और तस्कीन अहमद जनाब सोते रह गए, सुबह बस उन्होंने मिस कर दी। हाँ टीम बस उन्होंने मिस कर दी, वो सोते रह गए। अब पता नहीं रात को हो गया होगा स्ट्रेस में, मैं समझ सकता हूँ स्ट्रेस में कोई थोड़ा लगा लिए होंगे एक दो, मैं कहता हूँ काश-वाश हो जाता है यार अगर एक दो जैसे कहते हैं घूंट वूंट भी हो गए हों तो, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। मैं समझ सकता हूँ भाई इंडिया के अगेंस्ट मैच है, प्रेशर मैच है, वाइस कप्तान हैं आप, आपकी परफॉर्मेंसेज भी अच्छी जा रही हैं, तो आपने डेफिनेटली आपके जहन में 100 चीज़ें चल रही होती हैं, तो हो सकता है तस्कीन के भी चल रही हों शायद, नहीं बस वो स्ट्रेस में नींद भी लेट आई हो, 100 किस्म की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो हुआ क्या कि तस्कीन अहमद रात को सोए और सब जब वो सुबह उठे तो उन्हें ये पता चला कि वो टीम बस मिस कर चुके हैं। हमने पेपर मिस किए होंगे नींद की वजह से, गर्लफ्रेंड से मिलना मिस किया होगा, नमाज शमाज नींद की वजह से अक्सर छूट जाती है, हमारे और है ना प्रॉब्लम्स, ठीक है, पापा ने सुबह किसी काम से भेजना था, हम सोते रह गए, वो खुद करके आ गए, फिर सारा दिन ताने खाओ, तो वो आम लोगों की ज़िंदगी में चलता है। तस्कीन भाई इस लेवल पर हैं कि उन्होंने इंडिया का मैच ही मिस कर दिया उन्होंने कहा नींद प्यारी है मुझे, इंडिया का मैच तो होते ही रहेगा, मैच बाद में खेल लेंगे, ये जो नींद आई है क्या पता ये इसके बाद ना नसीब हो। तो तस्कीन जब सुबह उठे तो बस तो निकल चुकी थी। खैर तस्कीन ने जनाब तैयार श्यार होकर ये बाई दी टाइम ग्राउंड में पहुँचे, तो अब इसके ना दो वर्जन है, ये ग्राउंड में पहुँचे तो टीम शीम का हो चुका था, तो तस्कीन इंडिया वाला मैच नहीं खेले। बाय द वे मैं आपको ये बताऊं कि तस्कीन की ओवरऑल इस वर्ल्ड T20 के अंदर गुड, अच्छी, बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंसेज हैं। मैं जैसे उन्होंने मेरा ख्याल है कुछ 6 मैचेस टोटल खेले हैं और उनमें उनकी टोटल नंबर ऑफ विकेट्स मेरा ख्याल है 8 हैं। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उन्होंने ब्रिलियंट बॉलिंग की थी सुपर 8 में, अफगानिस्तान के अगेंस्ट बड़ी अच्छी बॉलिंग की, बल्कि ओवरऑल तस्कीन ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है पूरे वर्ल्ड T20 में। मेरा ख्याल है उनको सिर्फ एक ही मैच में मार पड़ी है और वो ऑस्ट्रेलिया वाला है, उसके अलावा तस्कीन ने किसी मैच में मार नहीं खाई और विकेट्स भी रेगुलर निकालते रहे हैं, दो विकेट्स उन्होंने ज़्यादा टाइम्स निकाली हैं, तो तस्कीन की जो परफॉर्मेंस है ना वो भी बड़ी ज़बरदस्त थी। अच्छा तो खैर तस्कीन ग्राउंड में पहुँचे नहीं खेले, उसके बाद जो है वो उसका बदंगड़ बन गया, वो मीडिया में आ गई तो पता ये चला कि जी तस्कीन सोते रह गए, इन्होंने टीम बस मिस कर दी। अब तस्कीन का स्टेटमेंट ये आया कि नहीं भाई ये गलत बात है, ये सारे रूमर्स हैं, ये फेक स्टोरीज़ हैं, मैंने वो मैच खेलने ही नहीं था, मैं उस मैच में था ही नहीं, टीम कम्बिनेशन ऐसा था कि मैं टीम में नहीं आ सका। अच्छा और मज़े की बात ये है कि तस्कीन ये कहते हैं कि मैं टाइम से पहुंच गया था, मतलब वो कहते हैं कि मैं टॉस होने से 30-40 मिनट्स पहले ग्राउंड में पहुँच गया था। शकीबुल हसन रिसेंटली उनका हुआ तस्कीन की मीडिया पर आने से पहले, तस्कीन ने जो स्टेटमेंट दिया उसके मीडिया पर आने से पहले शकीब से जब पूछा गया था तस्कीन का इशू, तो उन्होंने ये बताया था कि यार उन्होंने, खैर शकीब ने थोड़ी बहुत तस्कीन की साइड ही ली थी कि यार हो जाता है ये नॉर्मल चीज़ है, प्लेयर कई दफ़ा नहीं उठ पाते, और उन्होंने ये कहा कि नहीं यार हमें नॉर्मली ये चीज़ बड़े नीचे के लेवल से सिखाई जाती है कि मैच के टाइम पर आप टाइम पर ग्राउंड में मौजूद हों, फलाना टिमकाना एंड ऑल दैट, तो उन्होंने कहा कि ये तो बेसिक चीज़ है, ये कौन कोई मतलब भूल सकता है या छोड़ सकता है। फिर उन्होंने ये कहा कि तस्कीन टॉस से तकरीबन 5-10 मिनट पहले पहुंचा था, तो देर वॉज नो वे के उनके लिए हम टीम के अंदर फिर चेंजेस करते उनको खिलाने से रिलेटेड ये वो ना, तो इसका मतलब अब तस्कीन से बंदा पूछे भाई तू सच बोल रहा है, तेरा टीममेट सच बोल रहा है, सीनियर या मीडिया सच बोल रहा है, क्योंकि मीडिया और शकीब एक ही पेज पर हैं। मानते ये भी हैं तस्कीन के वो लेट हुए थे, वो उन्होंने अपोलोजाइज भी किया कि वो वाकई सोते रह गए, वो लेट पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि वो 30-40 मिनट पहले पहुंचे थे और वो टीम कम्बिनेशन की वजह से वो मैच नहीं खेले थे। दूसरे एंड की स्टोरी ये है कि नहीं तस्कीन पहुंचे भी लेट थे, 5-10 मिनट पहले पहुंचे थे और उनको खिलाने का फिर चांस नहीं पैदा हो सका,
टीम कम्बिनेशन बन चुका था तो देर वॉज नो वे कि तस्कीन को बीच में फिर एडजस्ट किया जाता। हाँ, अगर वो 30-40 मिनट पहले पहुँचे होते तो फिर शायद कोई बातचीत होती, कोई बहस होती, कोई डिबेट होती, तो उनके नंबर, उनका नंबर किसी न किसी तरीके से मैनेज कर लिया जाता। क्योंकि वाइस कैप्टन आपका टेक्निकली देखा जाए तो वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स, आप उसको इंडिया जैसे इंपॉर्टेंट मैच में नहीं खिला रहे, टीम कम्बिनेशन की वजह से ये बात हज़म नहीं होती, जो साफ सी बात है, ये बात नहीं हज़म होती। भाई आप बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं, बड़ी टीम्स के अगेंस्ट आपने प्रेशर सिचुएशंस में अच्छी बॉलिंग की है। मैं बता रहा हूँ साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मेरा ख्याल है 4 ओवरों में तस्कीन ने कोई 25-30 रन दिए हैं। अफगानिस्तान के अगेंस्ट तस्कीन ने ना 4 ओवर्स में एक तो मेडन किया था, मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है, एक मेडन किया था और रन्स भी मेरा ख्याल है तस्कीन ने कोई 10-12 दिए थे। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद दोनों टीम्स के अगेंस्ट दो दो विकेट्स थी उनकी, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उनको मार पड़ी थी। तो अब आप देखें ना, 3 बड़े मैचेस, 2 में आपने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया, तो ये कैसे हो सकता है कि आपको इंडिया वाला मैच ना खिलाया जाता। तो वो तस्कीन ना अब बेसिकली कवर करना चाह रहे हैं कि नहीं, वो टीम मतलब ऑब्वियसली एक तो आप सोते रह गए, लेट पहुँचे, ऊपर से लेट पहुँचने की वजह से आप मैच नहीं खेल सके। तो तस्कीन ने सोचा कि ऐसा करो कि लेट उठने वाला मान लो, लेट पहुंचने वाला भी मान लो, लेकिन ये ना कहो कि आप लेट उठने और लेट पहुंचने की वजह से मैच का हिस्सा नहीं बन सके। उसके बारे में कह दो कि वो टीम कम्बिनेशन का ही चक्कर था, मेरी जगह नहीं बन पा रही थी। लेकिन अब बात मेरा ख्याल है खुल गई है कि बेसिकली तस्कीन की जगह इसी वजह से नहीं बन पाई थी कि वो बहुत ही ज़्यादा लेट हो गए थे। क्योंकि शकीब ने तो ये भी कहा था ना कि वेस्ट इंडीज़ में ट्रैवल करना इतना आसान नहीं है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर एंड ऑल दैट, तो वो उन्होंने तस्कीन को याद दिया था कि हम समझ सकते हैं। लेकिन भाई बात वही है कि तस्कीन ने बहुत इंपॉर्टेंट मैच मिस किया। बांग्लादेश के फैंस तो काफ़ी गुस्से में भी थे तस्कीन के ऊपर जब उनको ये सारी स्टोरी पता चली थी, लेकिन अब वो बात वही है दोस्त, क्या किया जा सकता है। बांग्लादेश को अगर ओवरऑल मैं उनकी T20 की कैंपेन देखूं तो ठीक ही थी, मतलब सुपर 8 में तो वो कोई मैच भी नहीं जीते, सुपर 8 के वो सारे मैचेस हारे हैं जो कि उनको मेरे नज़दीक कुछ मैचेस वो जीत सकते थे। वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जीत सकते थे, वो अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट भी जीत सकते थे, और अगर वो 2 ये मैचेस जीत लेते तो उनके लिए स्टेज बड़ी ही डिफरेंट होती, बहुत डिफरेंट होती। अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट तो मुझे ये लगता है कि उन्होंने गलती की है, उनको जो टोटल मिला हुआ था और जितने भी ओवर्स थे 10-12 ओवर्स में उन्होंने करना था वो टोटल, उनको जाना चाहिए था उस टोटल के पीछे। टोटल के पीछे जाते हुए हार जाते या वैसे मैच हार गए थे तो सीन तो दोनों बराबर ही था ना। क्या पता वो अगर अफगानिस्तान को अटैक करने की कोशिश करते तो अफगानिस्तान को प्रेशर में ले आते। बट आई लाइक तस्कीन, बॉलर अच्छा है और ये जो उसने काम किया ना, इसकी तो क्या ही बात है। बस इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।